Like the video, subscribe the channel and on the notification icon. नमस्कार साथियों, मैं संदीप कुमार। साथियों, आज BikeBot कंपनी को लेके जो आपके मन में जो भी सवाल है, आज मैं उनका जवाब देने वाला हूँ। और आज आप लोगों को बिल्कुल आपका जो भ्रम है, आप लोगों की जो द्विधा है, उसको दूर करने वाला हूँ। और आप लोगों के मन के अंदर जो क्वेश्चन उभर रहे हैं, उनका जवाब आपको 100% मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जो पिछली वीडियो में आप लोगों के जो कमेंट आए हैं, आप लोगों ने जो कुछ पूछा है, उनका जो हर एक चीज़ का आपको जवाब मिलेगा। सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ कि दोस्तों, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कमेंट के माध्यम से कि कुछ लोगों का कहना है कि लगभग BikeBot के अंदर 50% जो पैसा है जो फौजी भाइयों का लगा है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूं कि दोस्तों, देश के अंदर कोई गद्दारी नहीं कर सकता है। अगर देश के अंदर कोई गद्दारी करता है तो उससे बड़ा दुश्मन कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, BikeBot कंपनी मानता हूं कि आप लोगों की पे आउट पिछले कई महीनों से रुकी हुई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं BikeBot कंपनी का कोई पक्षधार नहीं हूं, ना ही मैं बाइक कंपनी के पक्ष में बोलने के लिए जो है दलाल या कोई, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि मैं BikeBot कंपनी के पक्ष में बोल रहा हूँ या सपोर्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, पिछले BikeBot की छोड़िए, पिछली कुछ ऐसी कंपनियाँ भी देख लीजिए जो बंद हुई है, जिन पर लाखों लोगों ने केस किया है, क्या उनके केस का निर्णय आज तक आया है या उनको पैसा मिला है? नहीं ना, एक बात सोच के देखिए। तो इसी तरह, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि दोस्तों, BikeBot कंपनी पे अगर आप केस करेंगे तो मामला ज्यादा उलझ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप BikeBot कंपनी के CMD MD से मुलाकात करें, उनसे पूछें, उनसे अपने क्वेश्चन सवालों का जवाब ले कि BikeBot कंपनी की पे आउट कब आएगी। दोस्तों, सभी परेशान हैं। मैंने भी BikeBot कंपनी के कुछ लोगों से संपर्क किया, वो भी कह रहे हैं कि पैसा ना आने की वजह से परेशान है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को कह देता हूं कि BikeBot आप लोगों की पे आउट जरूर देगी। दोस्तों, थोड़ा सा लेट क्या हो जाए कि लोग कुछ भी लगा लो, कुछ दुश्मन है ज़्यादा कूदने लगते हैं, जो दूसरी कंपनियों से होते हैं कि आपकी कंपनी तो ऐसी है। मैंने कहा था ना, ये कंपनी भाग जाएगी। मैंने ऐसे कहा था ना कि BikeBot कभी नहीं चलेगी। वो लोग ज़्यादा उछलने लगते हैं। उन्हीं लोगों की वजह से आपके जो माइंड सेट होता है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कंपनी के प्रति। और आप लोग सोचते हैं कि आप लोग FIR कर देंगे तो आपका पैसा जल्द मिल जाएगा या रिटर्न हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। FIR करने से, ये केस करने से, केस तो चलता रहेगा, सालों साल चल रहा है। पिछली कुछ कंपनियां लगा लो जो बंद हुई थी, सोशल ट्रेड लगा लो और कंपनियां लगा लो, क्या हुआ? केस तो चल रहे हैं, नहीं मिला ना पैसा, और नहीं तो CMD सर भी नाराज मान जाते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को आप लोगों को जो है लाइटली हैंडल करना होगा। आपको इतना बता देता हूं कि दोस्तों, जो है MD CMD का बयान भी आया है, कुछ बातें भी आई है कि आप लोगों को पैसा जरूर देंगे, लेकिन उसको ले भी आपको सपोर्ट करना होगा। भाई, पहले पता लगाइए कि किन लोगों ने केस किया, केस को वापस लीजिए, मामला कोर्ट से वापस आया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप विचार कीजिए कि आपकी पे आउट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आ रही है, नहीं आ रही है। BikeBot के CMD से संपर्क कीजिए, तो यही सोल्यूशन हो सकता है। बेटर सोल्यूशन नहीं यही है, और आपको बता दिया है। मैं तो आपको बस इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि कुछ दिन और वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आप लोगों को सब्र करना होगा। चलिए, कुछ जो है BikeBot के जो हितेशी है, उनके कमेंट मैं आपको रीड करके बता देता हूँ कि BikeBot में काम करने वाले जो भी लोग हैं, उनका क्या सोचना है। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, और आप सपोर्ट में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट खबर सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, कल्याणदास जी कमेंट करते हैं, आप जबरदस्त वीडियो बनाया, थैंक यू सर, जो हमारी पिछली वीडियो की तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू भाई कल्याणदास, आपका भी वेलकम। एंड प्रवीण राणा जी कमेंट करें, नो नेगेटिविटी दोस्तों, ऑल द बेस्ट पॉजिटिव थिंग। सही बात की है भाई, कोई नेगेटिविटी ना फैलाएं, पॉजिटिव सोचे कंपनी के बारे में। क्योंकि किसी महान आदमी ने बहुत प्राचीन टाइम से कहा है कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें बुरा नहीं करना चाहिए। कम से कम अगर हम कंपनी के बारे में, दूसरी कंपनी के कुछ लोग हैं तो दुश्मन लोग हैं, अगर हम अच्छा नहीं सोच सकते तो हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। अमित मलिक जी कमेंट करते हैं, बाइक विल बी स्टे इन मार्केट, आर लीगल केस हैंडल बाई कंपनी, BikeBot पेमेंट करेंगे कंपनी, जाओ आपको पता चलेगा, कंपनी अभी भी चल रहा है, पेमेंट स्टार्ट होगा जल्दी, जय हिंद। ये अमित मलिक ने बहुत बड़ी बात कही है, अमित मलिक ने, क्योंकि आप लोगों ने प्रोडक्ट खरीदे, आप लोगों ने बाइक खरीदी है, वो बाइक आज भी मार्केट के अंदर है, उन बाइक की रीसेल वैल्यू है। और आप लोगों का जो मन के अंदर भ्रम फैला हुआ पैसों को लेके,
आप लोगों का पैसा सुरक्षित है, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है, प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर आपका पैसा है, तो आपको पैसा नहीं तो प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। तो आप लोग घबराइए मत। जो है ये बात उन्होंने बहुत अच्छी की, मेरे को पसंद आई अमित मलिक की बात। शिवा दांडल कमेंट करते हैं आप, सर मनी सॉल्यूशन के दोस्त एंड होस्ट विक्रम के अगेंस्ट में वीडियो बनाइए, इसके बारे में सोचेंगे भाई। अमित मलिक जी का एक कमेंट हो रहा है, BikeBot की बाइक चल रहे हैं, BikeBot भी चल रहा है, बस पेमेंट स्टार्ट जल्दी होगा। कंपनी का MD आर्मी से भी है, मिस्टर करणपाल जो कंपनी में MD भी है, उनसे बात हुई है, वो जल्दी पेमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, सब ठीक होगा। जेनियम MD है कंपनी के, जय हिंद। ये अभी अच्छी बात की है भाई, आपने सुन लिया, ये मेरी जुबानी नहीं है, ये BikeBot में काम करने वाले लोगों की जुबान है। समीन खान जी कमेंट करते हैं भाई, ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर मेकर के बारे में कभी BikeBot के बारे में, ये भाई थोड़ा माइंड के प्रति का बंदा है। और तू हर महादेव, मनोज कुमार जी कमेंट करते हैं, तू बाटी का चमचा है। नहीं भाई, मैं कोई चमचा नहीं हूँ बाटी का, हम सिर्फ जो सच होता है वही बोलते हैं। एंड प्रसाद जी कमेंट करते हैं, पेमेंट शुरू करो, सब प्रॉब्लम दूर होगा, जुमला से नहीं होगा, लूटने का नया प्लान इतने को लॉन्च होगा, 31/3/19 को लॉन्च होगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों को पेमेंट मिलेगी, जरूर पेमेंट मिलेगी। सविता घोष कमेंट करते हैं, 100 बार सोचो, जब 31 को अच्छी खबर आएगी तब आप अपना मुँह कहाँ छुपाएंगे। बढ़िया, सविता घोष ने काफ़ी ज़बरदस्त जवाब दिया इनको। समय सरकार जी कमेंट करते हैं, पेआउट तो चालू नहीं हो रहा है, हो जाएगा भाई, 31 तक वेट कीजिए, इस महीने और वेट कीजिए, आप लोगों को जरूर कोई ना कोई अच्छी खबर निकल के सामने आएंगी। मैनक माथुर जी कमेंट करते हैं, तू एक तो काम कर, सबका पैसा तो चुका भाई। अब भाई हमारा काम तो न्यूज़ देना होता है, आपको मोटिवेशन करना होता है, वो काम अपना कर रहे हैं मैनक ठाकुर जी। लवनाथ सिंह जी कमेंट करे हैं, वाओ। कल्याण दास जी कमेंट करें, आज तक जितना यूट्यूबर है उसके भी अभी तक चेहरा देखा नहीं है, सिर्फ नेगेटिव बातें बोला BikeBot दिल से, नेगेटिव बात बोला BikeBot दिल से। बढ़िया भाई कल्याण दास जी, हम तो अपना फेस दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल बात बोल रहे हैं, पॉजिटिव बात बोल रहे हैं, सच के साथ बात बोल रहे हैं। और सौरभ जी कमेंट करते हैं, बढ़िया भाई सौरभ जी, थैंक यू भाई सपोर्ट करने के लिए। रविंदर जमावाल कमेंट करते हैं, यार स्पीच अच्छी लिखी है, बढ़िया भाई। रविंदर जमावाल जी भाई, ये अपने लिए कर रहा हूँ मैं। देवेंद्र कालो कमेंट करते हैं, BikeBot दा दलाल भाई, मैं कोई दलाल नहीं हूँ भाई। विजय मोहन जी कमेंट करते हैं, पलटू जी आप कौन हो, काम वाली बात करो, पे आउट कब होगा भाई। पे आउट विजय मोहन जी बता रहे हैं कि 31 मार्च तक जो कंपनी के बारे में कोई लेटेस्ट खबर निकल के सामने आएगी, तो ही आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा पे आउट के बारे में या अदर्स के बारे में। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, सब्र रखिए। ग्रेविट सुभाष चंद बोल रहे हैं, बोलना नहीं तुम लोगों ने काम ही ऐसा किया है, कुछ ना कुछ नहीं चल खेल रहे हो, हमने बड़ी मुश्किल से आर्मी से पैसा कमाया था, सारा पैसा हमने BikeBot में लगा दिया। गर्वित जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहता हूँ कि अपनी जिंदगी पूरी पंजी भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, अपनी पूंजी का लगभग 10% इन्वेस्टमेंट करो। और दोस्तों गर्वित जी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आर्मी को धोखा नहीं दे सकता है, ये मैं कहता हूँ, कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, अगर कोई किसी को धोखा देगा तो उसका दुगना भरना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा विश्वास रखिए, थोड़ा सा आत्मविश्वास रखिए, अपना आत्मविश्वास मत टूटने दीजिए, आप लोगों का पैसा जरूर मिलेगा। सोमेन सरकार जी कमेंट करें, सर मैक्सिमम इन्वेस्टर इंडियन आर्मी के है, मैं बात समझ गया आपका सोमेन को सरकार जी। अमित जी कमेंट करें, सालों ने सबसे ज़्यादा हम फौजी भाइयों को ही लूटा है हमारा मेहनत का पैसा। अमित सिलास जी जरूर, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम फौजी भाइयों के साथ खड़े हैं, फौजी भाइयों को जरूर न्याय मिलेगा, बस थोड़ा 31 मार्च तक वेट कीजिए, देखते कि 31 मार्च को क्या खबर निकल के सामने आती है। मानिक माथुर जी, बढ़िया जी पब्लिक, कोई बात नहीं भाई, पब्लिक जो चाहे कर सकती है, पब्लिक के अंदर पावर है, आप लोगों को जो करना कीजिए भाई। अभी तक फ्यूचर मेकर पर न्यूज़ बनाता था, इस जगह कोई फैक्ट न्यूज़ बनाओ तो मज़ा आए। लॉजिकल बीजी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हम कोई दिक्कत नहीं है। सैन मलिक कमेंट करे, भाई सब पेआउट चालू कर दो। ओए भाई तू क्या बोलना चाहता है, लेक्चर मत दे, पैसा मिलेगा या नहीं भाई, पैसा ज़रूर मिलेगा भाई। गोविंद रमेश जी, पैसा जरूर मिलेगा, आपका पैसा सुरक्षित है। अभिषेक द्विवेदी जी कमेंट कर रहे हैं, 5 मंथ हो गए हैं पैसा नहीं मिला, जरूर मिलेगा पैसा, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, वरना मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, हम आपका पैसा जरूर दिलवाएंगे भाई। कुछ सब तुम को वाले ऐसे ही नाटकबाजी करते हो। महेश आलू जी कमेंट कर रहे हैं, पे आउट की डेट बताओ, बस बाकी बात मत बताओ भाई। पे आउट की डेट तो आप नहीं क्लियर कर सकते, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि 31 मार्च को कुछ बड़ा होने वाला है, तो 31 मार्च तक थोड़ा वेट कीजिए। समीन खान जी
बढ़िया भाई। सुरेंद्र कुमार जी, अबे पॉजिटिव कैसे हो गए भाई? तू पिछले वीडियो में तो बहुत कुछ, भाई मैंने कभी नेगेटिव नहीं बोला, मैंने कुछ ऐसी कंपनियों को बोला जो कम टाइम के अंदर पैसा दुगना करती है, उन कंपनी से बचे। वो कंपनियां बिल्कुल गंदी कंपनियां होती है जो 2-3 महीने के अंदर आपका पैसा दुगना करने की दावा करती है, ऐसी कंपनियों से आप दूर रहिए। ये बात तो मैं अभी बोल रहा हूँ, कुछ अच्छी कंपनियों को ज्वाइन कीजिए, अच्छी कंपनियों में बिजनेस कीजिए, अच्छी कंपनियों में काम कीजिए। भाई सुरेंद्र कुमार जी छोड़ो, नरेश कुमार जी पैसा देना कब शुरू होगा? 31 मार्च तक वेट कीजिए दोस्तों, 31 मार्च के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिलेगी, पेआउट भी आएगा, पेमेंट भी आएगी। सिद्धार्थ चपराना कमेंट करें, सही बोला भाई, किसी को कोई पैसा नहीं मरेगा, सब मिलेगा, बढ़िया भाई। रजनीश चौहान जी, क्या हमें अपने पैसे चाहिए? रजनीश चौहान जी जरूर मिलेगा पैसा आपका, डोंट वरी। तिवारी साहब जी बढ़िया है, शेख साहब जी चमचे है ये? नहीं भाई, कोई चमचा नहीं हूँ मैं, ये सभी कंपनी वालों की। बढ़िया भाई, योगेंद्र राजवत ने बढ़िया बात की है भाई, मैक्सिम मेंबर आर्मी से है और आर्मी वाले किसी को नहीं बख्शेंगे, यह बात सच्ची है। तो दोस्तों आप लोगों का साथ आर्मी पावर है, तो आप लोगों का पैसा भी सुरक्षित है, डोंट वरी। आलोक कुमार जी तर्क कर रहे हो, आलोक कुमार जी थोड़ा और वेट कर लेते हैं 25 तक। हाँ भाई 25-31 तक और वेट कीजिए यार, उसके बाद आपको जो करना कीजिए, ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ आपको, 31 मार्च तक और वेट कीजिए। सुरेंद्र कुमार जी, कंपनी किसकी नहीं होती, ये बात सही कही भाई, कंपनी किसी की नहीं होती, ये बात आपकी बढ़िया है भाई। अजीत गावस जी कर रहे हैं भाई, सक्सेस भी भाई, हाँ हाँ बढ़िया भाई। विजय मोहन जी कमेंट करे भाई, सच है क्या जिनका देहला भी नहीं लगा वो भी बातें बनाते हैं? बढ़िया भाई, ये बात सही है भाई। विजय मोहन जी जिनका कुछ नहीं लगा वो बातें बनाते हैं। द्विवेदी साहब जी बढ़िया है भाई। जितेंद्र कुमार जी अभी हम जवाब मिलेगा भाई, टेंशन मतलब। विजय भाई बाइक बोर्ड दिल से है भाई, बाइक बोर्ड दिल से है। गौरव जी कमेंट कर रहे हैं भाई, बाटी जी तो कैसे देना होता सबको दे देते साले, कितना दिया बाटी जी ने, ऐसी कोई बात नहीं भाई। मुलायम सिंह जी कमेंट करें, सब फेंकते वीडियो कुछ नहीं मिलेगा भाई, 31 मार्च तक वेट कीजिए यार, कोशिश जारी है भाई। उमेश जी वेलकम भाई। रमेश गुप्ता जी डायरेक्ट पैसे की बात करो, कब से मिलेगा पैसा भाई? 31 मार्च तक वेट कीजिए। गोपाल राम जी बढ़िया है। विनोद कुमार जी, अरे भाई ये बता कैश पेमेंट मिलेगी या नहीं, बस सुनने का काम तरस रही है। तो दोस्तों सभी का लगभग सवाल यही है, लगभग 50% जो है डिस्ट्रीब्यूटर की कमेंट यही है कि पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो कंपनी के दावा किया है कि 31 मार्च को नए प्लान जारी होंगे, 31 मार्च तक सही होगा, तो आप लोग जो 31 मार्च तक थोड़ा धैर्य शांति रखिए। उसके बाद दोस्तों हम आपको खुद बताएंगे कि आपकी पे आउट कब मिलेगी या कंपनी के अंदर क्या होगा या आपको क्या करना चाहिए। तो गाइज आप लोग ऐसे जो है डीमोटिवेट मत होइए, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए दोस्तों, भरोसा रखिए, क्योंकि दोस्तों भरोसे से बड़ी जंग जीती जा सकती है, विश्वास से बड़ी जंग जीती जा सकती है। यही बात मैं आपको कहता हूँ कि आपको विश्वास और भरोसा रखना होगा। दोस्तों मैं कोई कंपनी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सच है, जो हमें करना चाहिए, वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों विश्वास और भरोसा रखिए, भरोसे के साथ आगे बढ़िए, जरूर कुछ ना कुछ सही होगा, कुछ ना कुछ सामने निकल के आएगा। दोस्तों कोई अन्य क्वेश्चन हो, अन्य क्वेरी हो, तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। मैं संदीप कुमार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को लाइक के साथ साथ अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट खबर सबसे पहले मिल पाए।